पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता करने पर युवक कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन, जमकर हुई पुलिस से झूमाझटकी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में पार्क की बेशकीमती भूमि को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सरकार द्वारा बेच दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ पुलिस के DIG के द्वारा अभद्रता करने व उनके साथ वाटर कैनन द्वारा पानी की बौछार छोड़ने के विरोध में आज मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ युवक कांग्रेस द्वारा जहां जंगी प्रदर्शन किया गया, वहीं प्रदेश के गृह मंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पन्ना में युवक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में महेंद्र भवन चौराहे पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी की, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर दर्ज किए गए मामले को वापस लिए जाने की मांग करते हुए भोपाल पुलिस DIG को बर्खास्त किए जाने का भी मुद्दा उठाया। युवक कांग्रेस के इस आयोजित हुए प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेसी भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई तथा चौराहे के चारों ओर वाले रास्तों पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। साथ ही फायर ब्रिगेड, अश्रु गैस आदि की व्यवस्था के साथ तैयार रहे कि किसी भी हालत में पुतला दहन ना हो सके। एक तरफ चौराहे पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, उसी बीच अचानक कुछ युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जलता हुआ पुतला लेकर प्रदर्शन स्थल की ओर दौड़े और पुलिस ने दौड़ते हुए उस पुतले को अग्निशामक से बुझाया है। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश में पूरी सरकार अहंकार में डूब चुकी है। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने वाले राजनेताओं व कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस प्रकरण दर्ज कर रही है और उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस दमनकारी कार्यवाही से कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप होकर बैठने वाला नहीं है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं के ऊपर दर्ज किया गया मामला वापस नहीं लिया जाता है तो युवक कांग्रेस पूरे प्रदेश में अंदर प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी, जिसकी जवाबदारी प्रदेश सरकार की होगी। भाजपा का लगातार तानाशाही पूर्ण रवैया इस प्रदेश में चल रहा है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा ने एक पार्क की जमीन को 1 रुपए में संघ को बेच दिया और जब उसका विरोध करने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके नेता दिग्विजय सिंह जी उसका विरोध करने गए तो वहाँ पर उपस्थित DIG को ऐसा आदेश दिया गया था कि उसने उनसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और उन पर लाठीचार्ज किया और उनके बार बार गांधीवादी बात बोलने पर और उनसे रिक्वेस्ट करने पर भी वो उग्र हो रहे थे ऐसा, और ऊपर से उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया है दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। अगर इस मुकदमे को भाजपा सरकार वापस नहीं लेती है तो हम 1 हफ्ते तक लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार उनका नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी का लगातार 7 दिनों तक पुतला दहन करेंगे और यूथ कांग्रेस लगातार इस भाजपा का जो घमंड आ गया है सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को ये चुनौती देती है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है तो हम इसके घर का घेराव करके एक ऐसा जन आंदोलन करेंगे कि ऐसा प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ होगा। आज दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो DIG ने और इसके माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनके द्वारा आदेश पर उन पर लाठीचार्ज किया गया था, इसके विरोध में दिग्विजय सिंह के जी के सम्मान में हम लोगों ने नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री का पुतला दहन किया है। क्या नाम? स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष।